प्रिंसिपल्स होते हैं प्लेसमेंट के, है ना, वो हम एक एक करके समझते हैं क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करना चाहिए जब हम किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को प्लेस कर रहे हैं किसी जॉब. पहला क्या होता है, मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब. ये हमने अभी बात की, द जॉब शुड नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन. जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होना चाहिए. कोई भी जॉब प्रोफाइल है उससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, है ना. ऐसा नहीं कि आप किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में फिट इन करने के लिए आप जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और क्वालिफिकेशन सब चीज चेंज कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. आपको राइट फिट ढूंढना है, है ना. जॉब पहले आती है बिकॉज वो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो काम पहले आता है और जो मैन है दैट कम्स नेक्स्ट, जो कि अभी अभी अपन ने बात की, मैन बाद में आता है. तो आपको राइट फिट देखना है, आपको उस आदमी को उसकी जॉब के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही प्लेस करना है कि उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और ये पर्सन उसमें कैसे फिट इन होता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द जॉब शुड बी ऑफर्ड टू द मैन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस एंड द मैन शुड एंड द प्लेसमेंट शुड नाइदर बी हायर नॉर लोअर देन द क्वालिफिकेशन. कि आप जो प्लेसमेंट कर रहे हो वो उस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, राइट. कोई यू नो एमटेक किया हुआ व्यक्ति है उसे आप प्यून की प्रोफाइल नहीं दोगे, है ना. ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से ही आप उसको जॉब प्रोफाइल दोगे, राइट. और किसी दसवीं पास को आप एक मैनेजरियल जॉब नहीं दोगे, राइट. क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस जो काम है उससे मैच नहीं करती, इसलिए जो जॉब है वो इस तरीके से ऑफर की जानी चाहिए, इस तरीके से प्लेस किया जाना चाहिए एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए, ना वो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम, है ना. इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है बिकॉज उसमें भी फ्रस्ट्रेशन आती है. कोई बहुत ओवर क्वालिफाइड व्यक्ति को आपने थोड़ा लोअर लेवल का काम दे दिया तो वो उस काम को एंजॉय नहीं करता और अपना बेस्ट भी नहीं देता. और कोई बहुत इनएफिशिएंट व्यक्ति है, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति, उसको आपने बहुत हाई प्रोफाइल दे दी तो वो भी उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो नेसेसरी एक्सपर्टीज या स्किल नहीं, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, द एम्प्लॉय शुड बी मेड कॉन्वर्सेंट विद द वर्किंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री एंड ऑल थिंग्स रिलेटिंग टू द जॉब. ही शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द पेनल्टीज इफ ही कमिट्स एनीथिंग रॉन्ग, राइट. तो हमें एम्प्लॉय को उसकी वर्किंग कंडीशन जो कि उस इंडस्ट्री में प्रिवेल करती हैं उससे अवगत कराना चाहिए. जैसे मान लो कोल इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम करता है और वो कोल माइंस में काम करता है तो उसकी वर्किंग कंडीशन इंडस्ट्री के हिसाब से कहाँ होगी, बिलो द ग्राउंड काम है उसका, है ना. आपको कोल माइंस में जाके कोयला निकालना है, वो वाली उसकी जॉब प्रोफाइल है. तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्या वर्किंग कंडीशन रहेंगी. वो ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो एसी ऑफिस में टेबल चेयर लगा के बैठे, है ना. क्यों? क्योंकि उसकी वो जॉब प्रोफाइल नहीं है. तो ये चीज हमें एम्प्लॉय को बताना जरूरी है कि आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी एज पर द इंडस्ट्री एंड एज पर द प्रोफाइल यू आर गोइंग टू बी हायर्ड फॉर. ऐसे अपन मार्केटिंग और सेल्स वाले लोगों की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल के हिसाब से वो सारे टाइम ऑफिस में नहीं बैठे रहते, वो फील्ड में जाते हैं, है ना. और जिनका डेस्क जॉब है वो लोग फील्ड में नहीं जाते, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, राइट. बिकॉज ईच जॉब एंड ईच प्रोफाइल रिक्वायर्स डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस, डिफरेंट वर्क एनवायरमेंट, राइट. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें प्लेसमेंट करते टाइम और ये सारी चीजें हमें एम्प्लॉय को भी बतानी चाहिए. फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द जॉब टू द न्यू एम्प्लॉय एन एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इन हिम सो दैट ही मे रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटर टूवर्ड्स द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो हम उसके अंदर ये क्वालिटीज इनकलकेट करें, दैट इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, है ना. कि भाई आपको मिलजुल के लोगों के साथ काम करना है, इंडिपेंडेंट नहीं चलता यहाँ कि अपना अपना देख लिया, नहीं. वी आर वर्किंग एज अ टीम, वी आर वर्किंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं एंड वी ऑल आर फेथफुल एंड लॉयल टुवर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चीजें आप बताओगे उन्हें, यू नो थ्रू योर ओन कॉन्डक्ट जब दिखाओगे तो उन्हें वो चीज समझ में आएगी, राइट. इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है. एग्जाम्पल क्या, लाइक वन ऑफ माई बॉस, सो यू नो उनकी बहुत अच्छी एक आदत थी, जब लंच टाइम होता था सो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ यू नो आस्किंग एवरी वन, यू नो
यू हैड लंच और नॉट, है ना, लंच का टाइम हुआ कि भाई लेट्स हैव लंच टुगेदर, उन्होंने ये प्रैक्टिस बनाई थी कि जब लंच होगा सो जो पूरी टीम है वो साथ में लंच करेगी, है ना, फॉर यू नो 15 मिनट्स 20 मिनट्स विल कम टुगेदर एंड विल ईट टुगेदर. और वो जो जैसे उस टाइम अवेलेबल नहीं है, मान लो बाहर गया, तो उससे वो जरूर पूछते थे बाद में, यू नो यू हैड लंच और नॉट. सो ये छोटा सा उनका जो जेस्चर था वो क्या बताता है, दैट यू नो ही वाज ट्राइंग टू इनकल्केट दिस फीलिंग, कोऑपरेशन वाली फीलिंग वो इनकल्केट कर रहे थे अपनी टीम में कि नहीं हम मिलजुल के हैं, वी आर टुगेदर, वी आर वन. ये छोटे छोटे जेस्चर्स ना कैसे एम्प्लॉय के माइंड सेट को अफेक्ट करेंगे हमें कई बार पता ही नहीं चलता. बट यू नो वो एक छोटी सी एक्टिविटी मतलब मुझे बहुत एनकरेज करती थी कि यू नो हाउ ही इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट, क्योंकि वो टारगेट्स पे भी बात करते थे, जब टारगेट्स और काम की बात आती थी उस पर भी वो स्ट्रिक्टली बात करते थे, बट इस पे भी जब वो इस चीज का हमारा इतना ध्यान रखते हैं तो जब वर्क परफॉर्मेंस की बात आएगी सो वी शुड टेक केयर ऑफ यू नो वॉट ही इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस, वो फीलिंग ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाती है. सो यू नो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजें करके एम्प्लॉय में ये वाली क्वालिटीज को डाल सकते. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर द जॉइनिंग डेट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड पर्सन. आप प्लेसमेंट के बारे में आप क्लियर होना चाहिए कि आपने इस किन किन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, उनको आप किस जॉब प्रोफाइल में डालोगे, है ना, वहां पे एंड मोमेंट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो पूरी एक्टिविटी रहती है आपकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट वो सब स्पॉइल हो जाती है. इसलिए यू शुड बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. फिर नेक्स्ट है हमारा, द प्लेसमेंट इन द इनिशियल पीरियड मे बी टेम्पररी एज चेंजेस आर लाइकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. बिकॉज क्या होता है, इनिशियली जो प्लेसमेंट हो रहा है वो एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ होता है, और उसके बाद अगर कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रोफाइल में कंपनी ने उस इंसान को प्लेस किया है वो उसमें इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन किसी और प्रोफाइल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले. सो इसलिए इनिशियली जो प्लेसमेंट है वो टेम्पररी नेचर होता है, लेटर ऑन उसे परमानेंट कर दिया जाता है, जस्ट टू टेस्ट दैट वी आर डूइंग जस्टिस टू दैट पर्सन, एट द सेम टाइम वी आर डूइंग जस्टिस टू दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, राइट. सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए प्लेसमेंट करते टाइम.